नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में EBS के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य है। तो एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, निकोटीन से। किससे होती है? निकोटीन से होती है तंबाकू की आदत। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष व 18 वर्ष। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो देखिए, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है ऑप्शन डी, कृषि। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्बा हेड़ा। बाकी के तीन में जैसे कि केशव राय पाटन उदयपुर और भोपाल सागर में है। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, उपभोक्ता संरक्षण मंच को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार योजना। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो ऑप्शन डी, भारत। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी है? तो ऑप्शन सी, राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो विजय स्तंभ बनवाया था ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी, संकरी पुलिया। क्या है? संकरी पुलिया। एटीएम का पूरा रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, ईमेल कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं उसको कहते हैं ईमेल। डेंगू रोग का वाहक है, ये कल आया था क्वेश्चन आपका, तो ये है ऑप्शन ए, एडीज मच्छर। क्या है? एडीज मच्छर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? तो ऑप्शन बी, ये है यकृत। क्या है? यकृत। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। अगला है, कश्मीरी चोगा कहलाता है? तो ऑप्शन ए, क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है। कुत्ता मछली का आवास है, डॉग फिश का आवास है? तो ऑप्शन डी, सी। क्या कह सकते हैं? समुद्र। सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक।
राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं? तो देखिए ऑप्शन है, राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और राज्य पक्षी है घोड़ाबड़, और राज्य जंतु जो है पशु है चिंकारा। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन है ठोस, ठोस अवस्था में न्यूनतम दूरी होती है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? ऑप्शन डी प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन N। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन सी पौधे। और आज का लास्ट है, ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।